स्वागत आप सबका द 60 के अंदर मैच है बारबाडोस रॉयल्स वर्सेस टिनबागो नाइट राइडर्स के बीच में जो खेला जाएगा वॉर्नर्स पार्क सेंट किट्स पे। मैच टाइमिंग रात के 3 बजे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन के अंदर आपको सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पे 2 अगस्त को वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया के बीच में T20 का मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको ध्यान देना है जो पिच दोस्तों यहाँ पे रहने वाली है वॉर्नर पार्क की, ये पिच दोस्तों यूस्ट पिच रहेगी। मैं कैसे कह सकता हूँ दोस्तों, यूस्ट पिच रहेगी। ये दिन का 4th मैच है जी, आप सही सुन रहे हो दोस्तों, यहाँ पर ये 4th मैच होगा। पहला मैच यहाँ पे शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा, उसके बाद दोस्तों रात को 10 बजे होगा। फिर दोस्तों एक बड़ी बात क्या है, रात को यहाँ पे 12:30 बजे ना क्या होगा, यहाँ पे एक वुमेंस का मैच खेला जाएगा, वुमेंस D60 का। फिर दोस्तों यहाँ पे रात को 3 बजे जो अभी अपन मैच कवर कर रहे हैं ना, ये खेला जाएगा। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं यहाँ पर ये दिन का 4th मैच रहेगा। पिचेस के ऊपर दोस्तों और भी प्लेयर्स खेल के जा चुके रहेंगे, तो पिच के ऊपर हल्का सा वियर एंड टियर देखने को मिलेगा। प्लेयर्स के दोस्तों पिच के अंदर निशान आएंगे, तो इससे थोड़ा सा पिच स्लो सकता है हल्का सा, ठीक है। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर CPL 2021 हुआ था, ठीक है, तो सारे के सारे मैचेस दोस्तों CPL के यहाँ पे 2021 के अंदर हुए थे। तब यहाँ पे रन्स पर ओवर प्रति ओवर बना था 8, तो अच्छी पिच है दोस्तों, रन्स बनते हैं यहाँ पे, चाहे यूज्ड पिच हो चाहे फ्रेश पिच, यहाँ पे रन्स हमेशा बनते हैं, लाइव पिच रहती है हमेशा। आप देखो स्वर्णी के ऊपर स्पिनर्स अच्छा डालते हैं, यहाँ पे स्पिनर्स की इकोनॉमी कितनी रहती है 6.67, वहीं पेसर्स की इकोनॉमी रहती है 8.65। आप देखो मेरे पास दोस्तों कुछ पिच वगैरह की फोटोज हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप देखो दोस्तों कल यहाँ पर वुमेंस का 1060 का मैच हुआ था, तब की दोस्तों पिच की फोटो यहाँ पे लोगो भी बना, आप देख सकते हो 1060 का। ये लोगो दोस्तों मैं क्यों दिखा रहा हूँ, तो आपको ये तो लगेगा कि कल दोस्तों यहाँ पे मैच हुआ था उसी की पिच की फोटो है, ठीक है। तो ये आप पिच को यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, कल के मैच की पिच की फोटो है। ये जब यहाँ पे दिन का 3rd मैच हुआ था ना, तब की दोस्तों पिच की फोटो, ज़्यादा फर्क दोस्तों पिच में देखने को नहीं मिला। यूज्ड पिच होते हुए भी यहाँ पे रन्स बने थे, अच्छी पिच है दोस्तों। और ये अपने डैनी मॉरिसन है, ये दोस्तों पिच वगैरह के बारे में बता रहे थे, बढ़िया पिच, रन्स बनते हैं यहाँ पे। और जो बाउंड्री डायमेंशन उनके बारे में भी बताया था, सामने की बाउंड्री यहाँ पे 75 मीटर होती है, जो स्क्वायर बाउंड्रीज है, एक तरफ 64 मीटर थी, एक तरफ 66 मीटर थी, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों रूल्स है 1060 के, अगर आपको नहीं पता था आप यूट्यूब पे सर्च करना रूल्स ऑफ 1060 बाई स्टैट्स गुरुजी। या आप क्या करना, मैंने जो 1060 का पहले वीडियो बनाया ना आज शाम को 7:30 बजे वाला, आप उसको देखना, ठीक है। उसके अंदर मैंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया 4-5 मिनट लेके रूल्स को दोबारा, अगर आपको समझना हो तो, ठीक है। स्टेडियम का भी दोस्तों ऐसा दिखता है, ऐसा स्टेडियम है दोस्तों, पास के अंदर समुद्र, भाई क्या व्यू है यार, कैरिबियन कंट्रीज के अंदर भाई क्या ही अलग स्टेडियम होते हैं ये। यहाँ पे एक स्टेडियम होता है, पास में समुद्र जरूर होता है चिल करने के लिए, तो भाई क्या चाहिए आपको लाइफ में, ठीक है। सनशाइन चाहिए दोस्तों, सूरज की किरणें हो आपके ऊपर गिरती हुई, ये तो दोस्तों लाइफ होती है। चलते हैं यहाँ पे स्टार्ट्स की तरफ। तो इस वेन्यू की ओर जो टीम बैट फर्स्ट करी है 2 मैच जीती है, जो टीम चेस करी है यहाँ पर 6 मैच जीती है, तो कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे चेस करना ज़्यादातर टीम्स को पसंद है, प्रीफर करती हैं। आउट ऑफ लास्ट 8 गेम्स जो टीम चेस करी है 6 मैच जीती है। औसतन स्कोर दोस्तों आपको यहाँ पर 100 से 120 बनता हुआ दिखेगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट 8 मैचेस में क्या हुआ है, पेसर्स ने तेज गेंदबाजों ने 51 विकेट निकाला है, पहली पारी में 27 और दूसरी पारी के अंदर 24 है। राइट आर्म पेसर का 32 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर का 19 विकेट। बात करते हैं स्पिनर्स की, तो लास्ट 8 मैच के अंदर स्पिनर्स के 22 विकेट हैं, पहली पारी में 13, दूसरी पारी के अंदर 9। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स के 8 विकेट है, लेग स्पिनर्स का 7 विकेट है, लेफ्ट आर्म चेयरमैन ने यहाँ पे एक भी मैच अभी तक खेले नहीं, विकेट ही नहीं निकाला। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का यहाँ पे 7 विकेट है, ठीक है। जो लास्ट मैच यहाँ पे खेला गया था वेस्ट इंडीज वर्सेज इंडिया के बीच में 3rd T20 मैच था 2 अगस्त को, उस दिन यहाँ पे 6 विकेट पेसर ने निकाला था, 1 विकेट वहाँ पे स्पिनर ने निकाला था। सनी वेदर फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट आप चाहे तो देख सकते हो, मैं हमेशा निकाल के रखता हूँ, 30°C वहाँ पे रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हो आप चाहे तो। अगर आपको 1060 के रूल्स नहीं पता और आप वीडियो भी नहीं देखना चाहते तो भाई आपके लिख भी रखा है मैंने, कुछ लोग होते हैं दोस्तों वीडियो भी नहीं देखते, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ पे ये भी पता नहीं दोस्तों कैसे देख रहे होंगे वो लोग। बारबाडोस रॉयल्स की बात करते हैं, अजम खान, हैरी टैक्टर यहाँ पे, कॉर्बिन बॉश ओवरसीज प्लेयर बारबाडोस रॉयल्स टीम के, वहीं यहाँ पे टिनबागो नाइट राइडर्स के ओवरसीज प्लेयर कौन है, टिम शेफर्ड, शेकोकुने प्रसन्ना, डरेन डुपल विलियन। और यहाँ पे पोलार्ड मिस करेंगे दोस्तों, कल के दिन तो लॉर्ड्स के ऊपर थे, 100 खेल रहे थे। अब यहाँ पे स्क्वाड्स की बात करते हैं, मैंने प्लेइंग 11 दोस्तों नहीं बताई है क्योंकि प्लेइंग 11 बहुत सारी सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करेगी और 6 बैटर दोस्तों अलाउड है, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है अपने लिए और दोस्तों कह सकते हो एडवांटेज भी है। अब आप क्या बोल रहे हो, एडवांटेज इस तरह से है
कि अपने को दोस्तों पता रहेगा कौन 6 बैटर्स आएंगे, ठीक है। और डिसएडवांटेज ये है कि भाई साहब आपको बॉलर्स को ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेगा यार। मुश्किल से 6 विकेट का कितना पॉइंट होता है, 60 पॉइंट 25 × 6 कर लो यार, 120 पॉइंट होगा मुश्किल से पकड़ के, ठीक है। और वो अपन इतने सारे बॉलर्स में डिवाइड करते हैं तो ज़्यादा पॉइंट्स नहीं ले पाते बॉलर्स। जसन उल्टन यहाँ पे देखो, इस टीम के राइटी बैटर आइटम मीडियम है। ओबर्ट मकवाई है, काइले मेट्स आएंगे, अजम खान ओवरसीज प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान आते हैं, और यहाँ पे हेडनवाल जूनियर है, हॉसन थॉमस है, रखीम कॉर्नेवल है, हैरी टैक्टर, यहाँ पे डिवेन थॉमस है विकेट कीपर है, जशवा बिसाव आपको दिखेंगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, जस्टिन ग्रीव्स और कॉबिन बॉश है जो राइट आर्म फास्ट मीडियम है, और यहाँ पे नईम यंग दिखेंगे, टेडी बिशप दिखेंगे, रेमोन सिमोंस दिखेंगे लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है। दोस्तों का स्क्वाड है, प्रमुख गेंदबाज जिनके आगे मैंने डॉट लगाया वो सब इसके मेन बॉलर्स इस टीम के, ट्रिनबागो नाइट राइडर्स। पोलार्ड आई थिंक अभी आपको मैंने पहले कह दिया क्या इनका मैटर है, ये अभी लॉर्ड्स के अंदर ही थे कल के दिन। एंड रसल आएंगे, नारायण है, पूरन है, अकील हुसैन है, रवि रामपॉल, टिम शेफर्ड आते हैं न्यूजीलैंड से विकेट कीपर राइटी बैटर है, शकुगुने प्रसन्ना राइटी बैटर लेग स्पिनर है, श्रीलंका से आते हैं शकुग प्रसन्ना, ठीक है। डरल डुपलवेनियन राइट आर्म फास्ट है, साउथ अफ्रीका से आते हैं, गति इनके पास और ये साउथ अफ्रीका के लिए खेल चुके हैं नेशनल टीम के अंदर भी। जर्डन सीस आएंगे, राइटर मीडियम फास्ट है, यहाँ पे ट्यून वेबस्टर दिखेंगे, राइटी बैटर हैं ये दोस्तों, ओपन भी कर सकते हैं, कैरी फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, अब क्लास स्पिनर है वो। एंडरसन फिलिप राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ये भी प्रमुख गेंदबाज हो सकते हैं। टेरन सिंड्स राइटी बैटर राइटर मीडियम फास्ट है, लिनार्डो जूलियन लेफ्ट विकेट कीपर बैटर है, शेरॉन लुइस लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है। चलते हैं दोस्तों T20 स्टैट्स की तरफ, किसने दोस्तों कैसा परफॉर्मेंस दिया है, अपन प्लेयर का रोल समझेंगे कैसे, कौन सा दोस्तों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है। तो देखो जैसे उलर की बात करते हैं, इन्होंने T20 के अंदर बहुत मैचेस खेले हैं, 181 मैच खेले, 1500 रन 171 विकेट है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आपके लिए रहेगा। और बॉडी मकॉई अच्छे फॉर्म में, 57 मैच 86 विकेट्स है, इंडिया के खिलाफ दोस्तों 6 विकेट हॉल भी निकाला था, यही वेन्यू था वो। काइले मेट्स की बात करते हैं, 84 मैच 19 की औसत है और इनका यहाँ पे 1200 रन्स है, इस वेन्यू पे नहीं बोल रहा मैं, T20 परफॉर्मेंस है, ठीक है। और तो मेरा बॉडी ओके के लिए आपको एक्सपेक्टर बता दिया था कि यहाँ पे 6 विकेट भी निकाला था, ठीक है। वेन्यू स्टैट्स आपको नीचे दिखाऊंगा, चिंता की बात नहीं है। अब देखो पहली पारी के अंदर काइले मेट्स ने यहाँ पे 47 मैचेस के अंदर 750 रन ठोके हैं, वहीं दूसरी पारी के अंदर यहाँ पे 35 मैच में 426 रन है। तो पहली पारी के अंदर बैटर करते हैं T20 करियर में, अजम खान 72 मैच 1400 रन 22 की औसत है T20 करियर में, बैट फर्स्ट 20 थी इसके ऊपर 25 की औसत है। हेडनवाल जूनियर 65 मैच 61 विकेट है, ऑजन थॉमस का T20 करियर में 54 में 64 विकेट है, रखेम कॉर्नेवल 57 मैच 904 रन 19 की औसत है 24 विकेट्स हैं, बैट फर्स्ट 16 चेस कीपर 24 की औसत है, शायद ओपन कर सकते हैं। हैरी टैक्टर की बात करते हैं, 82 मैच 25 की औसत है, 1500 रन है, बैट फर्स्ट 28 चेस कीपर 22 की औसत है इनका पूरे T20 करियर में। डेवान थॉमस का 108 मैच के अंदर 1400 रन 18 की औसत है, जशवा बिशप का 7 मैच में 10 विकेट है, जस्टिन ग्रीव्स का 8 मैच में 111 रन है, कॉर्बिन बॉश का 30 मैचेस में 18 विकेट्स हैं और 151 रन है, बॉल फर्स्ट में ठीक ठाक करते हैं। और नईम यंग की बात करते हैं, यहाँ पे 11 मैचेस में 8 विकेट है। टेडी बिशप दोस्तों वेस्ट इंडीज अंडर 19 के स्टार प्लेयर रह चुके हैं, बहुत अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी अंडर 19 के अंदर, और भी द टीम मतलब और भी जो T10 लीग हुई थी ना, अपन कवर भी कर रहे थे दोस्तों शायद आपको याद हो तो उसके अंदर भी उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। स्टार्टिंग ओवर होल्डर अबर्ड मकॉय ऑसन थॉमस, डेथ ओवर के अंदर होल्डर अबर्ड मकॉय ऑसन थॉमस। बात करेंगे यहाँ पे ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की, पुलाड ये मैच मिस कर सकते हैं, ऐसे तो T20 में इन्होंने 600 मैच खेले हैं, 31 की औसत है, 1200 रन है। एंडर रसल का यहाँ पे 412 मैचेस के अंदर 6000 के ऊपर रन, आप अप्रोक्स 7000 रन बोल सकते हो, और 373 विकेट है, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सुनील नारायण की, इनका हमें 425 मैचेस के अंदर 461 विकेट्स है और यहाँ पे 3200 रन है, ये भी दोस्तों नामी प्लेयर है, सब जानते हैं पोलार्ड को, रसल को, नारायण को, पूरन को। पूरन का 240 मैच में T20 के अंदर 4800 रन है, 26 की औसत है, बैट फर्स्ट 23 चेस के ऊपर 32 की औसत है। अकील हुसैन 79 मैच 59 विकेट्स है, रवि रामपॉल का 167 मैच के अंदर 212 विकेट है, टिम शेफर्ड का 150 मैच के अंदर 3000 रन 25 की औसत है, ये भी अच्छा प्लेयर है, नामी प्लेयर है। शेखुगा प्रसन्ना 179 मैच 150 विकेट्स है, मतलब 150 विकेट 1900 रन है। डेरल डुपलवेनियन का T20 करियर में 28 मैच में 33 विकेट है, जेडन सिल्स का 19 मैच में 27 विकेट है, टियन वेबस्टर का 18 मैच के अंदर 24 की औसत 333 रन है, कैरी फिरे का 50 मैच 47 विकेट्स है, एंडरसन फिलिप का 15 में 9 विकेट है, टेरेन सेंट्स का 1 मैच में 0 विकेट है, और यहाँ पे लियोनार्डो जूलियन एक ही मैच खेले हैं 17 रन है, इसी वेन्यू पे खेला था वो भी मेरे को याद है लास्ट ईयर। स्टार्टिंग ओवर अकील हुसैन, रवि रामपॉल, जेडन सिल्स, ज्यादातर के अंदर रसल, रवि रामपॉल, जेडन सिल्स आएंगे।
चलते हैं दोस्तों मैदान की तरफ। जब इस मैदान के ऊपर मैच है वॉर्नर्स पार्क की तरफ, तो यहाँ पे किसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, प्लेयर्स परफॉर्मेंस ऑन दिस वेन्यू। जैसन होल्डर 22 मैच 19 विकेट है, बॉल फर्स्ट 5 मैच में 4 विकेट है, बॉल सेकंड 16 मैच में 15 विकेट, 8 मैच के अंदर विकेटलेस गए और 212 रन है। अब्बड़ मुकई का 8 मैच में 14 विकेट है, बॉल फर्स्ट 4 मैच में 11 विकेट है, बॉल सेकंड 3 मैच में 3 विकेट है, एक मैच के अंदर ये विकेटलेस गए और इस वेन्यू पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बॉल फर्स्ट में 6 विकेट हॉल भी आया था इनका। कैलमर्स 15 मैच 22 की औसत है, 243 रन है, बैट फर्स्ट 73 36 24 1 1 0, चेस के ऊपर 81 नॉट आउट 9 8 6 2 0। तो कह सकते हो दोस्तों सिर्फ 3 ही बार यहाँ पे अच्छा करा है, ऑल टाइम फ्लॉप शो रहा है इनका पूरा। अजम खान ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 6 मैचेस के अंदर 178 रन, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है अजम खान का, बैट फर्स्ट 50 30 28 17 13 8 4, चेस के ऊपर 28 है, कंसिस्टेंसी यहाँ पे दिखी थी इनकी और अच्छे प्लेयर है। और यहाँ पे दोस्तों एडनवाल जूनियर ने 3 विकेट निकाले हैं 10 मैचेस के अंदर, बॉल फर्स्ट 5 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड 5 मैचों में 2 विकेट है और यहाँ पे 8 बार विकेटलेस गया है। यहाँ पर दोस्तों अजम खान का 6 मैच नहीं था, 8 मैच था, उसको दोस्तों मैंने करेक्ट किया जब मैं यहाँ पे गिनती कर रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मैच खेले मैंने, 6 लिख रखा था वहाँ पे, तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। ऑस्टिन थॉमस का 11 मैच में 12 विकेट है, बॉल फर्स्ट 3 मैच में 6 विकेट है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा बॉल फर्स्ट में, बॉल सेकंड के अंदर 8 मैचों में 6 विकेट है, 5 मैच के अंदर विकेटलेस गए। रकेम कॉनवेल का 8 मैच में 133 रन है, बैट फर्स्ट 43 40 23 5 0, चेस के ऊपर 14 8 है, हैरी ट्रैक्टर नहीं खेले यहाँ पे। डेवन थॉमस का 37 मैच में 26 की औसत है, 576 रन है, 8 टाइम 30 प्लस स्कोर है। जसवो बिशप का 4 मैच में 6 विकेट है, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 2 मैचों में सीधा 5 विकेट है, बॉल सेकंड में अच्छे फिगर्स हैं यहाँ पे। नईम यम का 6 मैचों में 8 विकेट है, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड 4 मैचों में 7 विकेट है। ट्रिनबागो नाइट राइडर्स एंडर रसल 24 मैच 500 रन 22 विकेट है, बॉल फर्स्ट 11 मैचेस में 11 विकेट, बॉल सेकंड भी 11 मैच में 11 विकेट है, 5 मैच के अंदर विकेटलेस गए। नारायण का 25 में 25 विकेट है, बॉल फर्स्ट 18 विकेट है 16 मैच में, बॉल सेकंड के अंदर 8 मैच में 7 विकेट है, 7 मैच के अंदर विकेटलेस गए। हाल ही में दोस्तों द 100 के अंदर प्लेयर टू वॉच आउट थे, हाईएस्ट विकेट टेकर थे ये, 190 रन विद द बैट बनाए इन्होंने इस वेन्यू के ऊपर और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। कैरिबियन के अंदर दोस्तों उनको बहुत सारे प्लेयर जानने लगे हैं, समझने लगे हैं नारायण क्या करते हैं। पूरन की बात करते हैं, 24 मैच 26 की औसत है, 439 रन से स्वनी के ऊपर। अखिल हुसैन का 15 में 16 विकेट है, बॉल फर्स्ट 11 विकेट है 9 मैच में, बॉल सेकंड 6 मैच में 5 विकेट है, 2 बार विकेटलेस गए। रवि रामपाल 18 मैच 23 विकेट्स है, लास्ट ईयर दोस्तों इनका इसी वेन्यू के ऊपर स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहा था, इसी वजह से दोस्तों इनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर ऐड किया था, वहाँ पे भी इनका फ्लॉप शो रहा, लेकिन बॉल फर्स्ट 9 मैच में 12 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर इनका 9 मैचेस में 11 विकेट है, 5 मैच के अंदर यहाँ पे विकेटलेस गए। टिम शेफर्ड का 11 मैच के अंदर 177 रन है, बैट फर्स्ट 37 24, नाबाद 4 1, चेस के ऊपर 40, नाबाद 23 15 12 11 10। प्रसन्ना दोस्तों यहाँ पे एक मैच खेल चुके हैं, 0 विकेट था, बॉल सेकंड 2 ओवर डाला था शायद तक जितना मुझे याद आता है। जेडन सिल्स का 6 मैच में 4 विकेट है, बॉल फर्स्ट 5 मैचों में 4 विकेट है, बॉल सेकंड 1 मैच में 0 विकेट है, 3 मैच के अंदर विकेटलेस गए। टी एन वेबस्टर का 4 मैच में 60 रन है, बैट फर्स्ट 19 14, चेस के ऊपर 18 9। कैरी फ्रे का 7 में 7 विकेट है, बॉल फर्स्ट 4 मैच में 4 विकेट है, बॉल सेकंड 3 मैच में 3 विकेट, 2 मैच के अंदर विकेटलेस गए। एंडरसन फिलिप्स का 5 मैच में 7 विकेट है, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड 3 मैच में 6 विकेट है, 2 मैच के अंदर विकेटलेस गए। लेनार्डो जूलियन का 17 रन है बैट फर्स्ट करते हुए। मैचअप्स की बात करते हैं, काइल एमर्ट्स का मैचअप सुनील नारायण के सामने है, 20 गेंद 9 रन 2 बार आउट हैं, दोनों बार पहली पारी में। कैरी फेरे ने इनको 6 गेंद में 11 रन देके 2 बार आउट किया है। अजम खान वर्सेज नारायण 9 गेंद 14 रन 1 बार आउट किया। रकम कॉनेवल वर्सेज नारायण 10 गेंद 12 रन। अखिल हुसैन 19 गेंद 26 रन। रामपोल के सामने 10 बॉल 20 रन। कैरी फेरे के सामने 14 बॉल 29 रन, 1 बार आउट में सबके सामने। हैरी ट्रैक्टर किसी के सामने अभी तक फेस ही नहीं करें, आउट ही नहीं हुए। डेवन थॉमस वर्सेस सुनील नारायण, इनका मैचअप देखो आप, 37 गेंद 29 रन 2 बार आउट किया, दोनों बार पहली बार में आउट किया डेवन थॉमस को नारायण ने। रवि रामपाल ने तो 8 गेंदों में 3 बार आउट किया, 3 रन देके 2 बार पहली बारी में। कैरी फेरे एंडरसन फ्लिप ने 1 बार आउट कर रखा है। टिम शेफर्ड की बात करते हैं, इनका स्ट्रगल ऑस्टिन थॉमस के सामने है, 20 गेंद 19 रन 3 बार आउट किया, 2 बार दूसरी पारी में। जशो बिशप ने 7 गेंद में 4 रन देके 1 बार आउट किया। और एंड्रू रसल द रसल द मसल डॉक्टर रसल आप कह सकते हैं इनको, इनका स्ट्रगल ऑस्टिन थॉमस के सामने है, 8 गेंद 5 रन 2 बार आउट हैं, दोनों बार पहली पारी में। होल्डर ने 29 गेंद में 67 रन देकर 1 बार आउट किया। नारायण वर्सेस होल्डर 16 गेंद 24 रन 2 बार आउट किया, दोनों बार दूसरी पारी में। कॉनवेल ने 1 बार आउट किया। निकोलस पूरन वर्सेज जब्बॉड मकॉय 20 गेंद 23 रन 3 बार आउट किया, भाई साहब इसको 2 बार पहली पारी में। टी एन वेस्टर का भी मैंने मैचअप दिया हुआ, इनका स्ट्रगल होल्डर अब्बॉड मकॉय और ऑस्टिन थॉमस के सामने 1 बार रहा।
कॉमन कैप्टन पूरन एंडर रसल, बड़ी लीग में बना अंडर रसल पूरन नारायण टीम शेफर्ड, अलग जाना है होल्डर अजम खान, काले मर्ट्स को आप रोटेट कर सकते हो। बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम की, तो भाई साहब कैप्टन यहाँ पे कौन है? कैप्टन है रसल, वाइस कैप्टन होल्डर है, यहाँ पे नारायण, रवि, रामपोल, अखिल हुसैन, अबर्ड मकर, ऑस्टन थॉमस आपको दिखेंगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑस्टन थॉमस के बदले या फिर दोस्तों अखिल हुसैन के बदले आप यहाँ पे ले सकते हो अजम खान को। दोस्तों अजम खान भी अच्छा प्लेयर है यार, सीरियसली टैलेंटेड बंदा है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस मैच के अंदर। क्यों, रीज़न दोस्तों वही है कि यार बॉलर यहाँ पे दौड़ तो डाल रहा है, सही बात है, और यहाँ पे सिर्फ 6 विकेट ही गिर रहे हैं यार, ठीक है। तो बॉलर का एक डिसएडवांटेज है जहाँ पे बॉलर, हर एक बॉलर दो 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 विकेट निकाल के आराम से 50-50 पॉइंट ले सकता है। आप खुद सोचो 60 बॉल रहेगी, 60 बॉल में अगर 6 खिलाड़ी दोस्तों आउट हो जाते हैं ना, तो वहीं पारी समाप्त हो जाती है। एक बॉलर का दिन अच्छा रहा तो 3 विकेट ले जाएगा, अदर बॉलर से एक एक विकेट शेयर करेंगे, तो बॉलर्स के लिए दोस्तों इसमें थोड़ी सी नाइंसाफी है 10-60 के अंदर। तो बैटर्स को ज़्यादातर लेने की कोशिश करें, मैं आपसे कहूँगा जो अच्छे बैटर्स हैं। अब देखो यहाँ पे पूरन इंपॉर्टेंट है, डेवन थॉमस दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आजम खान दोस्तों एक टैलेंटेड बंदा सब जानते हैं, काले मर्ट्स भी दोस्तों अच्छे बैटर है, मैचअप नारायण के सामने है इनका, टिम शेफर्ड इंपॉर्टेंट, हैरी टेक्टर दोस्तों एक अच्छे खिलाड़ी हैं, यहाँ से आप ले सकते हो कॉनेवल को, हाल ओपनिंग करे तो हार्ड हिटर बैटर है, टी एन वेस्टर आपके ऊपर डिपेंड करेगा, रसल खेलेंगे, होल्डर इंपॉर्टेंट, नारायण दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेरे को कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। कॉर्विन बॉश का भी दोस्तों रूल कंफर्म नहीं है, कितने ओवर डालेंगे क्या करेंगे वो मैच के अंदर। अबर्ड मौका इंपॉर्टेंट, अखिल हुसैन दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण खिलाड़ी रह सकते हैं विद द बॉल, पर ये भाई साहब 10-60 है, 10 ओवर का मैच है, तो भाई साहब जिसमें कुटाई हो सकती है, जिस बॉलर का दिन खराब रहा, स्लॉट में बॉल डाल दी अखिल हुसैन ने। तो रवि रामपाल इंपॉर्टेंट है, थॉमस दोस्तों डेथ ओवर में आ सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा था आपसे इंपॉर्टेंट है, ये छोटा फॉर्मेट है तो लेग स्पिनर्स को भी रोटेट कर सकते हो ग्रैंड लीग के अंदर। कैरे फेरे में दोस्तों स्किल से विकेट निकालने का लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, जेड एनसिस डेथ ओवर में आ सकते हैं फ्रॉम TKR, और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन प्लस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, तो जुड़ जाना ठीक है, नीचे लिंक दिया हुआ है, देखते रहे स्टार्ट हुई जिस सुन आप होते, मैं हूँ जय हिंद।